हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये अनबॉक्सिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ब्लेंडिंग स्टम्प आप कैसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लेंडिंग स्टम्प आते हैं। मतलब आपको अगर बारीक जगह पे काम करना है तो उसके लिए अलग, बड़े जगह पे काम करना है उसके लिए अलग ब्लेंडिंग स्टम्प। इस तरीके से आपको कुछ वहाँ पे नंबर्स लिख के आते हैं 1 to 5, एंड एकदम पेंसिल के तरह लेते रहते हैं, एंड एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग होती है इनसे। इनसे भी मैं कुछ जो आर्टवर्क्स है वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी कुछ पेंसिल से शेड करके आपको दिखाता हूँ। एंड ये वाला वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड करके मैं डायरेक्टली इसे डालने वाला हूँ। अभी मैं ब्लेंड करके अभी मैं इसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ एच ग्रेड की पेंसिल थी जिसका यूज़ करके मैंने डार्क टू लाइट बना दिया। एंड इस शेड को अभी हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग स्टम्प से, जो एकदम पतली वाली आती है 1 नंबर वाली। तो इसे भी हमें एकदम हल्के हाथ से पकड़ना होता है जिससे स्मूथ ब्लेंडिंग हो। एंड आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स के ऊपर अगर आप पूरा डिपेंड रहोगे तो आपको अगर शेडिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स के ऊपर ही डिपेंड रहोगे तो। वो भी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। अगर आपकी शेडिंग ही सही ना हो तो उसमें ब्लेंडिंग स्टम्प या कोई भी ब्लेंडिंग मटेरियल आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए आप पहले तो शेडिंग इम्प्रूव करने में ध्यान दें। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी सारी, कैसे आप शेडिंग पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सपोज़ आपने कुछ इस तरीके से शेडिंग की, अब देखिए ये मैं अभी लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ, एंड आपको इसी तरीके से शेडिंग करनी है। इस तरीके से शेडिंग की तभी उस ब्लेंडिंग स्टम्प का या ब्लेंडिंग मटेरियल का कुछ यूज़ है। अगर आपकी शेडिंग कुछ इस तरीके से है तो वहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग मटेरियल आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको मैं अभी इसे भी ब्लेंड करके दिखाता हूँ अभी मैं। तो कुछ ऐसे पैचेस जैसे अगर आपकी शेडिंग है अभी, तो इसे मैं पहले ब्लेंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए इसे एकदम स्मूथ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे लेयर बाय लेयर अगर करें। एंड ऐसे पैचेस अगर रहे तो इसे ब्लेंड करके देख सकते हैं। अगर यही शेडिंग आप फेस में की तो इस तरीके से आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप पहले तो अपनी शेडिंग पे अगर कच्चे हो तो उसे इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद ही इस ब्लेंडिंग स्टम्प या अदर ब्लेंडिंग मटेरियल्स को यूज़ करें, जैसे ब्रश वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग एंड नॉलेजेबल अगर आपको लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बता सकते हैं कि आगे मैं कौन सी वीडियोस लाऊं। एंड बहुत जल्द ड्राइंग्स पे भी वीडियो आने वाली है, एक काफ़ी अच्छी ड्राइंग के ऊपर काम चल रहा है मेरा, वो वाली वीडियो आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में आप मेरी ड्राइंग एक्सरसाइज की जो सीरीज़ मैंने पहले की थी उसके वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक लिंक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।